गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास टेंथ का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5, जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट पार्ट आज हम करेंगे द 100 ड्रेसेस. बेटा, इस चैप्टर में क्या है, ये सचमुच की एक कहानी है एक ऐसी गर्ल के बारे में जिसको उसकी क्लासमेट जो थे वो टीज किया करते थे, तंग किया करते थे, जिसका नाम था वेंडा पेट्रॉन्स्की. और ये एक ऐसी लड़की थी जो कि अपने कस्बे के गरीब हिस्से से आई थी, और सिर्फ एक ऐसी अकेली लड़की थी जिसका क्लास में मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि वो पोलिश थी, पोलैंड से थी. और इस कहानी में ये बताया गया है कि जो सोच वेंडा की क्लासमेट ने रखी हुई थी मैडी ने, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी और उसी का इसमें मेन रोल है. और किस तरह से वो उसे टीज किया करती थी और टॉर्चर किया करती थी. तो हमारी इसकी समरी हम पढ़ने जा रहे हैं. द 100 ड्रेसेस 1, जिस ये जो स्टोरी है ये एक ऐसी गर्ल की है मेन लीड रोल में, जिसका नाम है वेंडा पेट्रॉन्स्की, जो कि एक पुअर पॉलिश गर्ल है. पॉलिश मतलब कि जो पोलैंड के रहने वाले होते हैं उन्हें पॉलिश कहा जाता है. और ये कहाँ रहती थी, ये बॉगिन्स हाइट में रहती थी. इसने अभी अभी अमेरिकन स्कूल को ज्वाइन किया था. ये बाकी की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इसका जो नाम था वो भी अलग सा था. बिल्कुल शांत रहा करती थी, इसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, और ये हमेशा एक ही कलर की ड्रेस पहना करती थी, नीली रंग की, जो कि फेड हो रखी थी. और कहाँ बैठती थी, ये क्लास में सबसे कॉर्नर में लास्ट में बैठा करती थी, और क्लासरूम में सबसे लास्ट में, मतलब कि बैक बेंचेस पर ये बैठा करती थी, जहाँ पर हमेशा शोर होता है, जहाँ पर जो है इस कहानी के अनुसार जहाँ पर शरारती लड़के बैठा करते हैं जिनके नंबर कम आते हैं. तो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी, मिट्टी से सने हुए पैर हुआ करते थे, शरारतें, खाने पीने का सामान सारा कुछ वहीं पर मिला करता था. तो इस कहानी में दो और किरदार हैं जिनका नाम है पैगी एंड मैडी. ये दोनों भी पक्की दोस्त थी. मैगी जो थी ये बहुत ही सुंदर थी, कर्ली हेयर थे और बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहना करती थी, और वेंडा की क्लास में सबसे लाइक्ड गर्ल यही थी, मतलब सबसे सुंदर यही लड़की मानी जाती थी. और ये हमेशा वेंडा का मजाक उड़ाती रहती थी और उससे क्या पूछती रहती थी कि उसकी जो 100 ड्रेसेस हैं वो कहाँ पर हैं. तो मैडी वांटेड पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा बट कुड नेवर मस्टर करेज. जो पैगी है वो क्या करती थी, वो चाहती थी कि वेंडा का मजाक ना उड़ाया जाए, पर वो मैडी को साफ साफ नहीं कह सकती थी. क्यों, क्योंकि मैडी जो थी वो पैगी की भी हेल्प किया करती थी अपनी ड्रेसेस वगैरह देकर. तो वेंडा क्या थी, उसे अनकंफर्टेबल लगता था पैगी को, और इस और क्योंकि जो पैगी है वो भी गरीब थी और मैडी के रहमो करम पर ही रह रही थी वो, इसीलिए वो मैडी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कह सकती थी. मैडी जो थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी अपनी क्लास में, और वेंडा का मजाक उड़ाया करती थी. वेंडा जो कि शांत गर्ल थी, वो एक बार क्या हुआ, स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था ड्रेसेस का कंपटीशन. वेंडा जो थी वो अक्सर ये बताया करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं, हमेशा लड़कियों को कहा करती थी और कहती थी कि एक ड्रेस मेरी वेलवेट की है, एक सिल्क की है, अलग अलग कलर हैं, अलग अलग डिज़ाइन हैं. और मेनली वो दो ड्रेसेस जो थी वो मेंशन करती थी, एक जो कि हल्की पीली थी और उसका कलर जो था वो ट्रिम हो चुका था, और दूसरी ग्रीन थी जिसमें रेड कलर की धारियाँ थी. एक दिन क्या हुआ, वेंडा जो है वो स्कूल नहीं आई. अगले दिन देखा गया, अगले दिन भी वेंडा स्कूल नहीं आई. तीसरे दिन मैगी और पैडी जो कि मजाक उड़ाया करते थे उसका हर जगह, वो वेट कर रहे थे ओलिवर स्ट्रीट में रुककर कि अभी वहाँ अभी जो है वेंडा वो स्कूल आएगी और हम रास्ते में उसे रोककर मजाक उड़ाएंगे. पर वेंडा जो है वो उस दिन नहीं आई, और
पैडी और मैडी जो थे, पैगी और मैडी, ये दोनों स्कूल के लिए लेट हो गए। अगले दिन बूंदाबांदी होने लगी। पैगी और मैगी जो थे, आज उन्होंने वेंडा की वेट नहीं की थी और वो लेट भी नहीं होना चाहते थे, पर वो जानना चाहते थे कि जो कंपटीशन था स्कूल में 100 ड्रेसेस का किया गया, उसका क्या रिजल्ट है, क्योंकि उस दिन वो अनाउंस होना था। जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर करते हैं, वो रुके और रुककर घूर देखने लगे। वहां पर 100 अलग अलग ड्रेसेस की, ब्यूटीफुल और ब्राइट कलर की अलग अलग ड्रेसेस जो थी वो डिस्प्ले हो रखी थी, मतलब ड्राइंग, अलग अलग ड्रेसेस की ड्राइंग डिस्प्ले हो रखी थी। हर कोई जो कमरे के अंदर एंटर कर रहा था वो तारीफें ही तारीफें कर रहा था। मिस मैसन जो टीचर थे, उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया। लड़कों में से ये तो जीता जैक बॉगल्स ने, और लड़कियों में ये इनाम जीता वेंडा पेट्रॉन्स्की ने। शी आस्क्ड स्टूडेंट्स टू गिव हर अ स्पेशल अप्लॉज दो शी वॉज नॉट प्रेजेंट। हालांकि उस दिन वेंडा आई नहीं थी, फिर भी टीचर ने कहा कि उसके लिए ज़ोरदार ताड़ियों से उसका हौसला बढ़ाओ। और उसने क्या किया, वेंडा ने क्या किया था, 100 अलग अलग कलर की ड्रेसेस जो थी वो टीचर को सबमिट की थी पेपर के ऊपर ड्राइंग करके, और हर एक जो ड्राइंग थी वो बेस्ट प्राइस जीतने की हकदार थी। तो ये हमारा था 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का समरी।